हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लाइंग डव। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम 15 मीटर पे बैलून को फोड़ेंगे, जो कि एक एलिवेशन पे आप बैलून देख सकते हैं सामने, ठीक है ना। तो हम दो लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम इस टाइम में सबसे पहले पूरा बैलून कौन फोड़ता है। तो आज मैं प्लेयर वन और प्लेयर टू, लेट्स ट्राई अगेन, देखते हैं आज का बैटल कौन जीतता है। विसल की आवाज़ से दोनों खिलाड़ियों ने अपने शूटिंग को शुरू किया और आप देख सकते हैं दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए। आप दोनों खिलाड़ियों से अवगत हैं, प्लेयर वन जो है हमारे पतलू और आपके चहेते प्लेयर टू यानी मोटू। अब देख सकते हैं मानसूनी हवा में, जो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से बैलून जो है, जो टारगेट है आज का, स्टेबल नहीं है। काफ़ी मूविंग टारगेट्स, दोनों खिलाड़ियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अब देख सा आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये मूविंग टारगेट को निशाना बनाना। आप जब निशाना लेते हैं तो आपको तीन बिंदुओं को मिलाना पड़ता है और फिर ट्रिगर जो है दबाना पड़ता है। ये सारा जो काम होता है ये सेकंड के 100वें हिस्से में होता है, इसकी वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है दोनों खिलाड़ियों के लिए। आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी अपने जो है शूटिंग को कितनी डेडिकेशन के साथ जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बैलून की संख्या दोनों तरफ कम होते हुए, और काफ़ी हवा जो फैक्टर है, हवा का फैक्टर जो है, उसमें दो चैलेंज सामने आता है। एक तो खुद टारगेट काफ़ी मूविंग होता है और एब्रप्टली मूविंग होता है किसी एक डायरेक्शन में नहीं, जबकि और उसके साथ साथ जो पैलेट्स है वो भी हवा की वजह से डिफ्लेक्ट होता है। तो जो आप देख सकते हैं काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी मिस हो रहा है टारगेट। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्लेयर टू के पास जो है केवल तीन बलून्स बचे हैं शूट करने को, और प्लेयर वन के पास जो है काफ़ी अभी बलून्स बचे हुए हैं। यहाँ जो है प्लेयर टू का प्रदर्शन जो है आज अच्छा है और लगता है काफ़ी तैयारी करके आए हैं। अब केवल दो बलून्स बचा है प्लेयर टू मोटू के साइड में, और काफ़ी इनका जो टारगेट है काफ़ी अच्छा जो है ये शूट कर रहे हैं। अब केवल एक बलून्स बचा है, सांसें थमी हुई सबकी, और आप देख सकते हैं अभी काफ़ी प्रेशर है प्लेयर वन के पास। प्लेयर वन जो है अभी अपने टारगेट को, और प्लेयर टू इसी बीच जो शूट किया मिस किया पूरी तरह से। और मैं लगता है कि आप देखिए अब प्लेयर टू फिर से, और ये तो आपने जैसा कि देखा कि अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ तीन बलून, जो कि हवा दोनों तरफ के लिए थी। हवा के वैसे मतलब टारगेट बहुत ज़्यादा मिस हुआ, लेकिन जो भी बोली बहुत मज़ा बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से यार, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, टारगेट है ना जितना मूविंग होता है ना, जितना कम बैलून बचता है उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहिए कि बैलून हवा में तो बट मूव ना, ये पता है गाइस इंडोर जब हम करेंगे ना तो शायद ये पॉसिबल हो, बट आउटडोर में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि विंड का बहुत ज़्यादा स्पीड है अभी और मौसम भी यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है तो और ज़्यादा विंड तेज चलती है। नेक्स्ट टाइम वी होप कि हम अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं, और अगली बार हम ज़्यादातर वो टारगेट्स अच्छा रखेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा इंटरटेनिंग वीडियो लगे। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सपोर्ट करें हमें, क्योंकि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाए आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आए और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो अपने चैनल पे, क्योंकि हमने कुछ दिन से नोटिस किया कि चैनल पे वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, बट हमारा भी थोड़ा अपना अपना पर्सनल काम होता है, तो दैट्स वाई वी आर बिजी, बट एज सून एज पॉसिबल हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे और इंटरटेनिंग वीडियो बनाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।